गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। अभी आपको मैम ने कुछ दिन पहले क्या बताया था, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? यस, समर सीजन। और समर सीजन में बहुत गर्मी होती है। जैसे हमें गर्मी लगती है, इसी तरह बर्ड्स को भी गर्मी लगती है। और जब बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं तो उन्हें भी रास्ते में भूख लगती है, प्यास लगती है। तो आज मैम आपको बताएंगे कि हमें बर्ड्स के खाने के लिए किस तरह बर्ड फीडर बनाना है। बर्ड फीडर बनाने के लिए आपको चाहिए है ऐसा कोई प्लास्टिक बॉक्स। अगर आपके घर पे ऐसा कोई वेस्ट प्लास्टिक बॉक्स है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक मोबाइल का कवर का बॉक्स ऐसा वाला ये भी यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई मिठाई का बॉक्स जो पुराना है उसको भी यूज कर सकते हो। और उसके साथ आपको चाहिए एक निडल और थ्रेड। अब मैम आपको बताएंगे आपको कैसे करना है, पर हम निडल को खुद से यूज नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मम्मी या पापा यूज करेंगे। आपको सबसे पहले आपके बॉक्स में मम्मी पापा से 4 होल्स करवाने हैं, ऐसे 1, 2, 3 and 4। जब ये 4 होल्स आपके बनवा लोगे यार, उसके बाद आपको एक लॉन्ग थ्रेड लेकर मम्मी पापा से इसके अंदर इसको ऐसे डलवाना है। और फिर 1 होल से डालने के बाद इसको दूसरे होल में लेके जाएंगे हम, और ये थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे, थोड़ा सा थ्रेड को बाहर रखेंगे। इसके बाद हम यहां से 3rd होल में जाएंगे और फिर इतना ही थ्रेड हम वापस रख लेंगे, और यहां से फिर हम 4th होल में इसको डाल देंगे। जब आपके ये ऐसे तैयार हो जाएगा, उसके बाद ये जो आपका एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको आप यहां ऊपर लेके जाओगे और यहां ले जाके एक बार ऐसे स्टिच करवा दोगे। ये आपको मम्मी पापा की हेल्प से करना है। जब आपका ये रेडी हो जाएगा तब आप इसके अंदर कोई भी दाना डाल सकते हो, जैसे गेहूं, चावल, ऐसी चीज डाल के हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पेड़ की टहनी पे, ब्रांच पे बांध देंगे। अभी बताएं, चलो आप मैम के साथ, मैम आपको दिखाएंगे कि आपको इसको कैसे बांधना है। अभी देखो इसमें मैम ने क्या किया है, इसमें दाना डाल दिया है और इसको हम ऐसे पेड़ की टहनी पे हैंग कर देंगे, टांग देंगे, और जब भी यहाँ पर कोई बर्ड आएगी वो इसमें दाना खा सकती है। तो अब आप सबको पता चल गया हमें बर्ड फीडर कैसे बनाना है। गुड, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।